दीप्ति द्विवेदी, वक्त है टॉप 25 खबरों का। लोकसभा चुनाव में छठवें चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मतदान की अपील, ट्वीट कर लिखा, अधिक से अधिक संख्या में वोट करने आए। दिल्ली के लोधी स्टेट में एक मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग की जा रही। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली के सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग की जा रही। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में ओडिशा के 6 संसदीय क्षेत्रों में हो रही वोटिंग। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए मतदान जारी। मतदान से पहले पोलिंग स्टेशन पर तैयारियां पूरी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। मतदान से पहले पोलिंग बूथ पर तैयारियां की गई। छठे चरण में कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नई दिल्ली में लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने झंडेवालान माता मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। करनाल में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना वोट डाला और आज लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा, मुझे पूरा विश्वास है सिर्फ रोहतक सीट ही नहीं बल्कि कांग्रेस और उसका गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा, मैं हरियाणा के लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, बड़ी संख्या में मतदान करें। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा, हम आश्वस्त हैं कि हम मोदिनीपुर सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने जो काम किया है, जो विश्वास बन गया है, वो नहीं टूटेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, पहले दो चरणों के बाद ये स्पष्ट हो गया, दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ। 4 जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। 4 तारीख को देश उन्हें अलविदा कह देगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग आज। यूपी की 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। छठे चरण में मतदान से पहले सीएम योगी की अपील, पहले मतदान फिर जलपान, आपका अमूल्य वोट आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प के लिए जरूरी है। पौड़ी आपदा पर सीएम धामी का निर्देश, कहा, राहत कार्यों में तेजी लाए प्रशासन, बिजली पानी की व्यवस्था जल्द करे बहाल। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल गांधी कूड़ेदान मास्टर, 13-14 साल में पूरी कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक दिया, सनातन को भी फेंकना चाहते हैं। अलीगढ़ के फर्नेश फैक्ट्री में विस्फोटक के बाद लगी आग, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 6 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, परिवार में कोहराम। छठे चरण के लिए मतदान आज। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई आज वोट डाले जा रहे हैं। अपराध रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल, ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, थाने के आकस्मिक निरीक्षण के पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के रण में छठे चरण का मतदान जारी है और ईवीएम में बंद होगा 889 प्रत्याशियों के भाग्य। पंजाब दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा, भटिंडा में बीजेपी प्रत्याशी परमपाल कौर सिद्धू के समर्थन में करेंगे चुनावी प्रचार, रात 8 बजे जयपुर की होगी वापसी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, कहा, चुनावी नतीजों में बीजेपी इस बार 400 पार, पीएम मोदी फिर से देश की सेवा का उन्हें मिलेगा मौका। जयपुर पुलिस ने रारिंग गैंग का किया पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, मुंबई पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी बरामद। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ली बैठक, बिजली कटौती को लेकर की गई चर्चा, निजी बिजली कंपनी के अधिकारी रहे मौजूद। हनुमानगढ़ में लोक परिवहन की बस से कुचलकर मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर बस को किया आग के हवाले,
ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। भीलवाड़ा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी, कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले